हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर? तो हमें पता था 1 ईयर में 365 डेज हैं, उसको अगर 24 से मल्टीप्लाई करें, फिर 60 से, या टोटल 3600 से, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा सेकेंड्स में। ये हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट में भी सेम किया, तो ये आंसर बन गया पार्ट 1 का। अब पार्ट बी है, हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर? अब हमारे पास क्या आ गया है, सेकेंड्स अब आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इतने सेकेंड्स थे 3.15 × 10^7। अब नैनो या किसी भी और, अब वो कहे सेंटी सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में जाना है, तो सबका सेम प्रोसेस है। आपको बस पता होना चाहिए कि मिली नैनो की पावर्स क्या होती है, कितने होते हैं। मिली होता है एम, स्मॉल एम, और इसकी पावर होती है 10^-3, जबकि माइक्रो की होती है 10^-6, और नैनो की -9। अब वो चाहता है कि हम इस वाले आंसर को सेकेंड्स की बजाय नैनो सेकेंड्स में लिखें, तो इट्स इजी। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10^-9 से और 10^+9 से, ताकि इन दोनों को अगर हम दोबारा वापस में ऐड करें तो आंसर आए 0, और ये अभी सेकंड का सेकंड में ही रहा। तो हम करेंगे क्या, एक मिनट मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, दिस वन। अब अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को रख लें सेपरेट, और बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर दें एक तरह आपस में, और इसको हम बना दें अगर नैनो, क्योंकि नैनो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि नैनो 10^-9 होता है, तो आंसर क्या आएगा, ये 3.15 × 10^7 × 10^9 नैनो सेकेंड। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो ऊपर वाली पावर प्लस हो जाएंगी, 7 + 9 = 16। तो ये आंसर आ गया पार्ट 3 का। अब पार्ट सी है, हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड? तो अगर हमें पता हो कि 1 ईयर जो है दैट इज इक्वल टू 3.15 × 10^7 सेकेंड, तो 1 सेकेंड कैसे बनेगा? 1 सेकेंड आ जाएगा कि यहां से इस पूरी टर्म को उठा के अगर हम इसके फ्रैक्शन में लिखने, इसके बटे में ले जाएं, तो आंसर में हमारे पास क्या बचेगा कि 1 सेकेंड कितने ईयर के बराबर, वो आ जाएगा 3.15 × 10^17 × 10^7 ईयर्स। अब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3.17 × 10^10